सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के शेयर के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड का जो शेयर है, इसके बारे में आपने देखा होगा कि पिछले 2 वीक से इसमें काफ़ी बढ़िया मूवमेंट आता हुआ नज़र आ रहा है। और देखिए वो इसलिए क्योंकि 2 वीक में 2 बैक-टू-बैक अच्छी खबरें इस कंपनी के लिए आई हैं। पहली खबर ये आई थी कि इसके जो अपर मैनेजमेंट था उसको चेंज किया गया था, जिसको मार्केट में काफ़ी पॉजिटिवली लिया गया और इसका शेयर करीब 40% 1 वीक के अंदर ही बढ़ता हुआ नजर आया था। उसके बाद इस वीक आज ही एक खबर आई है कि सोनी जो सोनी लिमिटेड कंपनी है उसको और जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड को मर्जर की मंजूरी मिल गई है, जिसके कारण यहां पर आज भी करीब 40% का मूवमेंट इस शेयर के अंदर देखने को मिला। यानी कि अगर बात करें पिछले 2 वीक की, तो यह शेयर करीब 80-90% अपने निवेशकों को यहां पर रिटर्न दे चुका है, यानी कि काफी बढ़िया मूवमेंट इस शेयर में देखने को मिला है। अब देखिए 2018 की अगर बात करें तो ये शेयर करीब 600 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था और देखिए इसमें लगातार गिरावट हो रही थी और देखिए लॉकडाउन के दौरान इसने 200 रुपए से नीचे के भी यहां पर लो बनाए हैं, करीब 120-130 रुपए के लो इस कंपनी ने बनाए हैं। और देखिए उसके बाद यहां से रिकवरी तो आई थी, लेकिन उतनी बढ़िया रिकवरी यहां पर नहीं आई। ये शेयर लगातार वैसे ही परफॉर्म कर रहा था, 200 रुपए के कभी नीचे जाता था कभी ऊपर जाता था और यहां पर आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस था जो कि करीब लेवल था यहां पर 241 रुपए के आसपास, यहां पर रेजिस्टेंस साफ साफ आपको दिख रहा है। इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था और बार बार करीब 4 बार इस रेजिस्टेंस से टकराकर ये शेयर नीचे की तरफ गया था, लेकिन जैसे ही उस वीक तेजी बनी इस शेयर ने सभी सीमाओं को लांघ दिया और ये शेयर एकदम आसमान की ऊंचाइयों में उड़ता हुआ नजर आया। और यहां पर आप देखें इस वीक एक और अच्छी खबर आई, जिसके कारण इसमें फिर से एक बढ़िया मूवमेंट आता हुआ नजर आया। तो ऐसी स्थिति में हम निवेशकों के मन में ये निश्चित रूप से ये चल रहा होगा कि ये शेयर इतना ज्यादा बढ़ चुका है, कुछ दिन पहले करीब 15 दिन पहले अगर बात करें तो 180-170 रुपए के आसपास ये था और अगर मैं इसको खरीद लेता तो आज ये शेयर आप देख सकते हैं 333 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि लगभग देखें तो 90% का रिटर्न यहां पर मिल चुका है। तो देखिए बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन मन में है कि अब क्या करें इस शेयर में, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, यानी कि आप इस शेयर को कम से कम 1 साल रख सकते हैं, तो यह शेयर आपके लिए एकदम वरदान होने वाला है, क्योंकि इस शेयर में काफी बढ़िया मूवमेंट आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। अगर बात करें अभी की कि अभी खरीदारी करना है या नहीं करना है, तो निश्चित रूप से मैं अभी यही बोलूंगा कि यहां पर आप देखें एक रेजिस्टेंस था जो कि मैंने बताया 240 रुपए के आसपास ये रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक करके एक बढ़िया मूवमेंट इसमें आया है और नेक्स्ट जो इसका लेवल जो रेजिस्टेंस था 360 रुपए के आसपास, उसको इसने उससे टकराकर ये वापस नीचे की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए ये बिल्कुल सही है, जिस किसी व्यक्ति ने भी इसको कहीं ना कहीं खरीदा होगा नीचे लेवल पर, उसको यही लग रहा होगा कि कम में प्रॉफिट बुक कर लूं और ये शेयर नीचे ना चला जाए। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसमें प्रॉफिट बुकिंग पहले वीक में भी आई थी और यहां पर मुझे लगता है कि दूसरे वीक में भी कल और परसों आपको इस शेयर में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये शेयर बढ़ चुका है। तो मुझे लगता है कि अभी इसमें 1-2 दिन खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू भी बना रहे हैं तो निश्चित रूप से थोड़ा सा वेट करें, वेट करने के बाद ये डिप जरूर मारेगा और डिप में आपको करना है खरीदारी। अगर बात करें इसमें मूवमेंट की, तो देखिए मूवमेंट इसमें न्यूज के दम पर पूरा हुआ था, अपर मैनेजमेंट बदला है जिसके कारण कई सारे चेंजेस इस कंपनीज में आएंगे और मुझे लगता है कि जो शेयर का जो पिछला कीमत था 2018 के आसपास करीब 600 रुपए के आसपास, ये वहां तक जाने की पूरा दमखम रखता है और मुझे लगता है कि सिर्फ एक साल के अंदर ही आपको 600 रुपए के टारगेट इस शेयर में बिल्कुल आते हुए नजर आ जाने चाहिए। और देखिए ये जो तेजी है ये निश्चित रूप से एक न्यूज के दम पर बनी थी और यहां पर आप देखें बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ बनी थी, इसका मतलब ये है कि ये तेजी जो है टिकाऊ है और आगे आने वाले वीक्स में भी ये तेजी आ सकती है। लेकिन खरीदारी का सही एंट्री पॉइंट जो वो है 300 रुपए से लेकर करीब 320 रुपए के बीच में यहां पर एंट्री करनी चाहिए
और उसके बाद आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। और देखिए, ये कंपनी का जो मैनेजमेंट चेंज हुआ है या जो कंपनी में मर्जर जो होना है, जिसको मंजूरी मिली है, तो उससे काफ़ी सारे चेंजेस कंपनी में आएंगे और मुझे लगता है कि अब इस शेयर में एक जान आ चुकी है और अभी 1000 रुपये से भी ऊपर जाने की क्षमता रखता है। और लेकिन ये शॉर्ट टर्म में नहीं होगा, कोई एक दो दिन या एक दो हफ्ते की बात नहीं है, इसमें आपको सालों इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन निश्चित रूप से ये शेयर अब 1000 रुपये से ऊपर जाने का भी दमखम रखता है और ये 600 रुपये का जो टारगेट है, मुझे लगता है कि अगले आने वाले 1 साल के अंदर मुझे लगता है ये टारगेट आ जाना चाहिए और उसके बाद इस शेयर में और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो देखिए, ये जो पूरा एनालिसिस है वो मैं खुद का है और अपने हिसाब से मैं एनालिसिस करके ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप कुछ भी करते हैं तो आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एक बार सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कुछ भी प्रॉफिट या लॉस करते हैं तो उसके ज़िम्मेवार आप खुद ही होंगे। तो इसलिए आपको खुद से समझबूझ के साथ और अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से डिस्कस करने के बाद इसमें कोई भी पोजीशन बनानी चाहिए। यहाँ पर जो एनालिसिस है मेरा खुद का है और खुद के हिसाब से करके मैं यहां पर चीजों को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो देखिए, है काफी बढ़िया शेयर, लॉन्ग टर्म के लिए निश्चित रूप से होल्ड किया जा सकता है और टारगेट मैंने आपको बताया 600 रुपए के, इसमें बिल्कुल आपको आते हुए नजर आ सकते हैं, तो आपको नजर बनाए रखना है और इसमें सही समय देखकर 300 से 320 रुपए की रेंज में आप इसमें कर सकते हैं नई खरीदारी और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। जिसके पास निश्चित रूप से निचले स्तरों पर है, चाहे तो प्रॉफिट बुक कर ले, और अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो निश्चित रूप से इस शेयर में आपको बने रहना चाहिए। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।